हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब अराउंड 11:30 हो रहे हैं। उठते उठते भी हम सबको लेट हो गया था। कल मैं काफ़ी लेट सोई थी, तो बस यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि जीत ने अचानक से बोला कि उनका एक मीटिंग में जाना है, उनको 1 बजे की मीटिंग है, तो मैं फटाफट लंच ही बना रही हूँ। जीत, हनी बनी और भाई नीचे गए हैं हनी बनी के हेयर कट के लिए, तो उसी बीच में मैं यहाँ पर बना रही हूँ लंच। तो 2 जगह मैंने चावल रखा है, 1 जगह पक्का चावल मम्मी के लिए एंड 1 जगह बासमती चावल हम सब के लिए। एंड यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले मैंने जो प्याज़ है उसको पीस के उसका पेस्ट जो अच्छे से भून लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके उसको भी भून लिया। एंड यहाँ पे टमाटर का प्योरी ऐड करके भून लिया है। सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा चना मसाला, वो ऐड करके उसको भी भून लिया। एंड यहाँ पे बॉइल्ड चने जो है वो ऐड करके बस हल्का सा भून के एंड पानी ऐड करके मैं 1 सीटी बस लगाऊंगी। वैसे छोले जो है वो बॉयल्ड है, बस स्टिल मैं 1 सीटी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा और कुक होना बाकी है छोले, तो मैं 1 सीटी लगाऊंगी। तो ये छोले चावल जो है वो लंच में हमारा हो जाएगा। हेयर कट डन, चलो गाड़ी कट जाना। हाँ हाँ, नहीं जा नहीं जा, सिम्बा विल ऑल्सो गो फॉर बात। सिम्बा को तो मजा आता है गोदी में रहना। चिम्बुनी, चिम्बुनी में भी बड़ा है इंग्लैंड, ठीक है, बड़ा हो गया। छोटू सा किटन था, अभी भी किटन ही है बट बड़ा हो गया। बड़ा किटन हो गया। सर आप कौन बोलेगा किटन है? एक्चुअली की हरकत है किटन है, बाकी से इसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। ये होगा खल्ली, खल्ली खल्ली बल्ली करेगा खल्ली होके। मनाया 20 मिनट में आप इनका अचानक से मीटिंग आ गया, तो फटाक से छोले चावल सलाद एंड इनका फेवरेट बॉयल एग। क्या बात है, बीवी हो तो खतरनाक ऐसी, खाली ऐसी नहीं खतरनाक ऐसी कि 20 मिनट में। आप कितने बजे आओगे बताओ? तो मैं नहा धो के तैयार हुआ, खाना रेडी। क्या बात है, मतलब खतरनाक आइटम है तू। ऐसे मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी तारीफ करो, थोड़ा ब्लश ब्लश हो ले, मजे मजे ले। आओगे तो जाएंगे ना आपका बर्थडे गिफ्ट लेने। आदित्य लेने गिफ्ट भी आपके पास आज जाके लेना की मंगाएंगे। नहीं नहीं सुनो, तो यहाँ पे सबका लंच हो गया है आज जल्दी, क्योंकि किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया था, तो मम्मी थोड़ा बाद में खाएगी। तो मम्मी के लिए यहाँ पे बना रही हूँ ड्रमस्टिक मस्टर्ड पेस्ट के साथ में फ्राई थोड़ा सा, क्योंकि वो छोले तो खाती है बट छोले चावल जैसे हम लोग खाते हैं ना वैसे नहीं खाती है, मतलब जैसे रोटी के साथ में छोले खा लिया रात को, इस टाइप का छोले चावल नहीं खाती है। तो उसके लिए अलग से ये ड्रमस्टिक थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। एंड ये कड़ी जो उस दिन बना था ना, तो कड़ी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो उसको भी गर्म कर लूँगी, तो उसका ऐसे हो जाएगा चावल, पक्का चावल, कड़ी, छोले थोड़ा सा एंड ये जो ड्रमस्टिक फ्राई। तो बस हो गया है सबका लंच वगैरह, बस मम्मी अभी लंच कर लेगी एंड जीत चले गए अपने मीटिंग में। बाकी बर्तन वगैरह सब मैंने निकाल दिया है एंड बट मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, ना मैंने कुछ खाया है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कमर दर्द वगैरह ये सब पेट दर्द कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ बस फ्रेश होके, पपीता निकाल के रखा है तो मैं पपीता काट के खाऊंगी, थोड़ा सा लाइट कुछ फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। एंड हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप मम्मी को उसको ऐसे क्यों तू करके क्यों बोलते हो, तो हमारे यहाँ पर मम्मी को तू ही बोलते, पापा लोगों को या बाकी सबको आप करके बात करते, बट मम्मी को सभी लोग हमारे फैमिली में सभी लोग अपनी मम्मी को तू करके ही बात करते, तो हमारे बचपन से यही आदत लगी हुई है, तो इसीलिए वही होता है, मेरे मुंह से भी वही निकलता है। अचानक से मैं कैमरे के लिए तू से आप नहीं बोल पाऊंगी, जो बचपन से वो आदत है वही बस चलता आ रहा है। तो पापा लोगों को या चाची हो गया, चाचा जी हो गए, उन सबको आप आप बोलते, पर मम्मी अपनी मम्मी को सब तू ही बोलते, तो बस यही है रीज़न। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, मम्मी को खाना दे देती हूँ, देन फिर मैं पपीता काट के खा लूँगी। सी मामा डैडा वर्किंग हियर एंड सिम्बू आल्सो बिजी वर्किंग, है ना। सिम्बा भी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, चूहा पकड़ने का फोन से। पूरा ध्यान से मन लगा के देख रहा है चूहा। मोटू खाली थोड़ा सा मोटू हो गया, छोटा सा बच्चा है ये, बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ।
हम सिम्बा को घर लेके आए, हम गए थे बेबो को लेने है ना। चलो चलिए गाइस मिलते हैं। सो गाइस डिनर में आज बन रहा है मटन, क्योंकि जब से भाई आया है मटन नहीं बना था, और भुवनेश्वर भी हमारा मटन नहीं बनता है ज़्यादा, क्योंकि भाभी नहीं खाती है, इसीलिए मटन बन रहा है। प्लान था कि कहीं थोड़ा बाहर चलते, फिर थोड़ा बाहर तो कल चलेंगे, अंदर ले आते हैं इसको। तो मैंने मैरिनेशन कर दिया है, जीत बस उसको मिला रहे हैं। इसमें मटन में डाला है मैंने जिंजर गार्लिक हरी मिर्च एंड खड़े मसालों का पेस्ट, देन हल्दी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, नींबू का जूस एंड मीट मसाला, बस सारी चीजें। मैं अपना स्पेशल हरी मिर्च का की जगह लाल मिर्च का पेस्ट डाल देती। कौन सा लाल मिर्च का पेस्ट? तो सब लोग रॉकेट। अच्छा वो, हाँ वो तो बाद में ऐड करूँ ऊपर से। तो बस सारा कुछ ऐड कर दिया, बस अभी प्याज फ्राई करें। सॉरी घोड़ों पर छोड़ी गई वो, आगे हमेशा तेरे पास ही घुसा रहता है। हाँ और प्याज देखो मैं क्या बोल रही थी, हम लोग कल बोल रहे थे कि ब्राह्मण बिल्ली है, नॉनवेज नहीं खाते, बट एक्चुअली ब्राह्मण बिल्ली नहीं थे, उनको चाहिए था कुक्ड नहीं रॉ मीट। आज वो मटन आया ना, तो हम लोग थोड़ा सा कीमा बना के लाए थे, और क्या पागलों की तरह खाया दोनों ने, क्योंकि है तो बिल्ली ना। हाँ कैसे उछल के गया भी थे वो, पूरा पागल हो रखे दोनों। चलो आज बड़े कुकर में बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा मटन है, संग्राम माया भी आ रहे। आज बड़ा कुक भी तो बना रहा ना। कौन बना रहा है? मैं बना रही हूँ। हाँ देखा देखा, आगे फटाक से क्रेडिट लेने, जैसे खाली मिलाने के लिए मैंने बोला। देखो ना बड़ा कुकर, नहीं नहीं मैं सोचा सच में मैं बनाने के लिए। नहीं नहीं मैं आज बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब नौना जाने से पहले एक बार और बनेगा तो आप बना लेना। Still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. So यहाँ पे मटन जो है वो भुन गया है, बस इसमें जो आलू फ्राई करके रखा था वो ऐड करूँगी, गर्म पानी ऐड करके इसमें सीटी लगा दूँगी, 2 से 3 सीटी मैंने थोड़े से निकाल के रखे, चख के देखूँगी कि हाँ कितने सीटी की ज़रूरत है। एंड आज मैंने ये पहली बार जो 9 लीटर का कुकर है ना उसमें बनाया, क्योंकि 2.5 किलो मटन था तो 9 लीटर के कुकर में बनाए, पहली बार इसको यूज़ किया। एंड साथ में चावल बना दिया है, एंड ये सलाद उसमें बस थोड़ा सा दही ऐड करके उसका सलाद बनाएंगे। एंड जो लोग उड़ीसा से है वो रिलेट कर सकते हैं, उड़ीसा में कोई भी पार्टी वगैरह होता है ना तो ये 3 चीज़ कॉमन है, राइस, मटन करी एंड सलाद, ये कॉमन है। एंड मम्मी मटन खाती, मटन यम्मी, हंग्री, ओके इट विल बी रेडी इन 10-15 मिनट्स। तो मम्मी मटन खाती नहीं है, तो सुबह उसने छोले नहीं खा रहा, तो छोले के साथ में रोटी बना दिया है, आम एक दे दिया है, बाकी संग्राम माया आएंगे तो हम लोग फिर साथ में डिनर करेंगे सब लोग। एंड मटन की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, इसलिए आज मैंने और शेयर नहीं किया, बस मैंने मटन को मैरिनेट कर दिया, मैरिनेट मतलब बस मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने मैरिनेट करके रखा नहीं। मटन में हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक हरी मिर्च एंड गरम मसाले का पेस्ट बना दिया था, वो ऐड किया, नींबू का जूस बस वही ऐड करके मिक्स कर दिया था, ऑयल में जो प्याज भुन लिया एंड जो मैरिनेटेड मटन है वो ऐड कर दिया, उसको लगभग 15-20 मिनट भुना, भुनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर ऐड करने के बाद अगेन उसको भुना है बिल्कुल ऑयल सेपरेट होने तक, करीब मैंने 1 घंटा 15 मिनट इसको मैं भुन चुकी हूँ, तो ये ऑयल सेपरेट हो गया है, मतलब ये अच्छे से भुन गया, अब इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी खा सकते हो, इसको हम लोग मटन कौसा बोलते हैं उड़ीसा में, तो ये भी खा सकते हो, हम लोग चावल के साथ में खाएंगे, तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करके मतलब करीब ग्रेवी बना दूंगी। बहुत लोगों को पता है कि 29 अगस्त को जीत का बर्थडे है, मंडे है बर्थडे उनका, तो मंडे तो नॉनवेज वगैरह बनेगा नहीं, तो आज सैटरडे वाले दिन ही मैंने उनके पसंद का, उनका फेवरेट है ये मटन करी जो मैं बनाती हूँ, तो उनके लिए वो बना दिया है, मेरी तरफ से हो गया पार्टी उनके लिए, मतलब जो खाना बना था। कल हम लोग कहीं मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे डिनर पे बाहर, एंड मंडे तो वेज डे है, देख के उनके पसंद का कुछ वेज जो है वो मैं बना दूंगी। मम्मी को रात को नींबू का पानी दे रहे, वो बोल रही है
क्यों पीना है मम्मी दिन में पीते तो रात को क्यों पीना है। थोड़ा तो सब बोले स्टील ग्लास से पूछ बोल तो जाना पड़नी ना लेन देखा जाए ना मिसाई छी तते कोन मिसाई के देबे सोडा न तोरा से न आमे सोडा पके आमे सोडा पके भला होची टेस्ट खटा लउची आउडे पानी मिसेबू ना आगे माने जाओ जे पानी दरकार तो पानी दे पाइबो ना पीते भलो ने टेस्ट को देह पे बहुत भलो सब जने या कर के पी ले तो सब को तरह नाक टेक हां अरे तीन दिन सब खाई बारे नाक टेक इन नाक टेक खाउ थो इन गंध हो जी सेंदी विच जो चेंजिंग रूम हैं वार्ड्रोब के अंदर खड़े रह के बोले ये दिस इज आवर चेंजिंग रूम एंड यहाँ मामू लगा है कवर डालने में भांजों के बुक्स में व्हाई डोंट यू हेल्प मामू और ये वाला कवर डालना तो बहुत मुश्किल है ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है ना मोबाइल पे वो जो क्या आता है हाँ वो जो स्क्रीन गार्ड लगाने जैसा है बबल्स आ जाते हैं और मुझे समझ भी नहीं आता ये ट्रांसपेरेंट कवर लगा के कोई फायदा क्या है इसमें ट्रांसपेरेंट कवर का ये जिस जितना मतलब टाइम लगा ना चार पांच बुक डालने में हमारे जो कवर होते थे ना ब्राउन कलर के उसी टाइम पे 10 कवर डाल देता आराम से ये ऐसे डालो और फिर ये सब निकाल दो उसका पेपर आई रिमूव ओके वेट हाँ ऐसे निकाल दो फिर ये चिपक जाएगा ये पता नहीं ये कैसा कवर है हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था ये बस चिपक ऐसे डालते टाइम बबल्स आ जाते हैं बीच बीच में कभी कभी लास्ट क्या हमेशा लास्ट ईयर जब हम जीत और मैं ये डाल रहे थे तो पहले तो 2-3 बुक्स खराब कर दिए हमने इसमें भी जैसे थोड़े थोड़े बबल्स आ गए ये बस हनी का हुआ है और बर्नी का भी बाकी है और सारे नोटबुक्स में ये देखो एक्चुअली ये बहुत पतला है ना ये जो ए चीरी जी मारे था वो चीरी छाड़ दे से मैं तो पढ़ था वो हिंद पढ़ था वो था ना चीरी जी बाव ये बहुत पतला है ना ये पेपर ये वाले फिर भी ठीक है थोड़े मोटे मोटे ये बहुत पतला है जब ये चिपक जा रहा है ज़्यादा क्या कर क्या हो गया ना थोड़ा सा दम था उसमें तो चिकन दो क्या बात है व्हाट चिकन मटन एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस राइस नो ऊपर दिस वन ऊपर आलू ऑलरेडी एट अभी कैसे होगा देखो जैसे ही आप उसको डालोगे वो जाएगा उसके ऊपर सोने देखो देखो नहीं नहीं देखो देखो वो जो हो जाता है ना बबल वो बबल को वो करता है छोड़ दे संग्राम छोड़ दे देखो 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 वो बबल को ठीक करेगा देखो मोबाइल फोन दुकान में भेज दो वो अपना स्क्रीन कवर चढ़ाते वक्त बबल ठीक करेंगे मोटो क्यों ऐसे पकड़ते हो आप नजर लग जा रही है उसको मोटू बोल के वो नहीं खा रहा है गोड़ रहे कड़ा पीता बांध लो नजर अच्छी अच्छी पिंडी जी नहीं सगराम देख लु पिंडी नहीं
ग्रीन तो बाहर दे लड़की की पिंदे ना तक पिंदे ना थी वो कैसन बा आज बढ़िया है हिंदी में बोलो आज बढ़िया है आज एक्चुअली अच्छा है एक्चुअली अच्छा हर बार जनरल में होता है आज एक्चुअली अच्छा है तो हर बार ऐसा बोलते हैं ठीक है फिर मैं बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ हाँ बहुत दिन के बाद मटन भी बन रहा है महीने के बाद खा रहा हूँ एंड पूरा टिपिकल ओडिया जो होता है ना भात राइस मटन करी एंड जो सलाद जो ओडिया ओडिया भोजी है ना ओडिया पिकनिक में यही बनता है पिकनिक सर मतलब मैं अगर मैं कोई मेरे बात का विश्वास करेगा नहीं करेगा जो लोग उन तीनों से सुन लो ओडिया ओडिया पिकनिक ओडिशा में नहीं ओडिया पिकनिक कहीं बाहर दिल्ली शहर में भी ऐसी बनता है ओडिया पिकनिक मतलब राइस मटन करी और सलाद में तो ना पूरा मोहल्ला होता है उनकी पार्टी होती है तो ना फिश्टी और न्यू ईयर में तो पक्का यही बनेगा न्यू ईयर में और जो वेजिटेरियन हो गए उनके लिए बस थोड़ा सा पनीर वरना ये चलो सुनो मैंने आपको आपका बर्थडे ट्रीट दे दिया आपका फेवरेट आपका आप अपना ट्रीट देना हमने नीचे नीचे बिछाया खाने के लिए बट ये दोनों सो गए तो सब ऊपर बैठे बेघर कर दिया कब्जा कर दिया दोनों ने हमारे घर के ऊपर चलिए गाइस हम लोग खाना वाना एंजॉय करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव बाय बाय सी यू गाइस सी यू डुगु कैन यू से बाय टू एवरीवन डुगुलु कल मिलते हैं कल तो बर्थडे है कोई पैदा होगा कल रात को मम्मा टुमारो injection yeah tomorrow they will take injection in the I have no school tomorrow no I'm going to them with them yeah in the evening or morning or night morning morning only yes. they dress up fast yes or how tissue dena